जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य चैप्टर नंबर हमारा 5 रहने वाला है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता है उषा कविता, और उषा पर आधारित प्रमुख हम 27 MCQ टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। और हाँ दोस्तों, महेंद्र ब्यावर नया चैनल है दोस्तों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग। इस चैनल पर क्या है कि लाइव क्लास चलती है राजनीतिक विज्ञान की। मैं ब्लूप्रिंट के अनुसार आपकी तैयारी करवा रहा हूं। अभी तक हमने 5 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग चैनल पर क्लास चलती है शाम को 5 बजे, इसी चैनल पर चलती है, सॉरी, महेंद्र ब्यावर कोचिंग पर चलती है शाम को 5 बजे, डिजिटल बोर्ड पर चलती है, ठीक है। हम क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं दोस्तों, अच्छे से ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करवा रहे हैं। तो इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़ा करें, और हिंदी की जैसे हिंदी की भी दोस्तों ब्लूप्रिंट के अनुसार आपकी तैयारी करवाएंगे। एक बार जो है एक एक नंबर वाले जितने भी जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के, वो फटाफट हम कवर कर लेते हैं। फिर हिंदी की भी मैराथन क्लास जो है आपके जो है ब्लूप्रिंट के अनुसार ही हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना आपका टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन देखेगा, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, और शमशेर बहादुर सिंह की कविता है उषा। पहला क्वेश्चन पूछा कि उषा कविता में किसके द्वारा लिखे थे, जो उषा कविता किसके द्वारा लिखे थे, तो ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखे थे, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, दूसरा क्वेश्चन कि उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है, केसर संघ सील सिंदूर। आपको आता है तो फटाफट आप लाइव चैट में करते रहे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, संघ जैसा बताया गया है, बी राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट अगला देखो, प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है, तो प्रातःकालीन का मतलब सुबह का जो समय है उसमें नीला जो आकाश है वो किसका जैसा बताया गया है, केसर जैसा, सिंदूर जैसा, झील जैसा, संघ जैसा। तो ये बताया गया है प्रातःकालीन नीला आकाश जो है वो कैसा बताया, संघ जैसा बताया गया है, डी यहां पर। ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, दूसरा क्वेश्चन में यही तो देखा था। कवि ने राग से लिपा हुआ किला चौका किसे कहा है, कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने राग से लिपा हुआ चौका किसे कहा है, गीला चौका, तो यह कहा है भोर नभ को। यहां पर नभ का मतलब होता है आकाश, आकाश होता है भर का नभ, ठीक है। तो भोर के नभ को जो है गीला चौका कहा है, याद रखे। नेक्स्ट अगला देखो, पांचवा क्वेश्चन, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है, उषा का, निशा का, निशिचर का, भूत का, तो यह होता है उषा का, याद रखना इसका, ए यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, छठा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, राग से लिखा नहीं है यहां पर दोस्तों, यहां पर जो लिखा है लिखा नहीं है, यहां पर पा है, ठीक है। लिपा हुआ क्या बताया गया है, तो चौका बताया गया है राग से लिपा हुआ, ए यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सातवां क्वेश्चन, राग से यहां पर फिर भी लिखा हुआ आ गया, देखो एडिटिंग में थोड़ी मिस्टेक रह गई, राग से लिपा हुआ क्या बताया गया है, तो चौका बताया गया है। पर्सन कैसे पूछो, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, राग से लिपा हुआ चौका कैसा बताया गया है, यहां पर ठीक है आप संशोधन करते रहना, यहां पर लिपा हुआ है, चौका कैसा बताया गया है, तो यह बताया गया है गिल्ला चौका। किस प्रकार का चौका, गिल्ला चौका बताया गया है, इसका यहां पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उषा कविता में राग से लिपा हुआ क्या बताया गया है, तो उषा जो कविता है उसमें राग से लिपा हुआ क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है दोस्तों चौका हो जाएगा, चौका, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका बी राइट हो जाएगा, थोड़ा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उषा कविता में बहुत काली सिल के किसे गुलने की बात कही गई है, तो ये लाल केसर से गुलने की बात कही गई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फटाफट अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। पहले चैप्टर को पढ़ो फिर टेस्ट लगाइएगा, ठीक है, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे तो इस प्रकार से आपके गलत नहीं होंगे। मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो सभी चैप्टर के करवाऊंगा। लाल खड़िया चाग मल दी हो किसी ने स्लेट पर, यहाँ पर जो स्लेट है, यहाँ पर स्लेट का अर्थ क्या है, ये पूछा है। सूर्य, तारा, आकाश, धरती, क्या करोगे आप सभी, तो यहां पर करेंगे धरती। स्लेट का जो अर्थ है वो धरती होता है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने बारवा जो क्वेश्चन है वो ये है कि नील जल में किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यहां पर कौन सा भाव है दोस्तों, कौन सा भाव है, फटाफट कौन सा भाव है, तो सुगंध का, निर्मलता का, उज्ज्वलता का, या तरलता का। बारहवें का आंसर आप सभी करिएगा फटाफट, बारहवें क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे इसका, आंसर इसका हो जाएगा उज्ज्वलता का, सी यहां पर राइट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आगे देखो, तेरहवां क्वेश्चन, उषा का जादू किसके उदय होने पर अथवा किससे टूटता है, तो जो उषा का जादू है वो सूर्य के उदय होने पर जो है उषा का जादू टूट जाता है, सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राग से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है, परंपरा का, पुरातनता का, पवित्रता का, या आस्था का, तो यह है दोस्तों पवित्रता का, ठीक है। 14वें क्वेश्चन का आंसर जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, सी कर देंगे, पवित्रता का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, 15वां क्वेश्चन, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है, तो सूर्योदय से पहले जो है वो उषा का जादू होता है, किसका जादू होता है, उषा का,
ठीक है, जैसे सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है, सूर्य का जादू टूटने का समय क्या है? तो सूर्य का जादू टूटने का जो समय है वो है सूर्य उदय। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा 17वां क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा वो ये पूछा है कि देखिएगा, उषा कविता में बहुत कालीसील किसी से घुलने की बात की गई है, खड़िया पानी लाल केसर या वर्षा, तो यहाँ पर लाल केसर इसका आंसर हो जाएगा, लाल केसर। क्या हो जाएगा? लाल केसर। उषा कविता में बहुत कालीसील की किसी से घुलने की बात कही है, तो लाल केसर की घुलने की यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट 18वां देखो, प्रातः आकाश का रंग कैसा था, प्रातःकालीन जो सुबह का समय था तो आकाश का रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो 19वां क्वेश्चन, उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र जो है वो उपस्थित किया है, छाया चित्र या फिर तेल चित्र या शब्द चित्र या रेखा चित्र, तो देखो उषा कविता में कवि ने उषा का जो है वो यहाँ पर शब्द चित्र जो है वो उपस्थित किया है, यानी सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला, उषा का जादू किससे उदय होने पर अथवा किससे टूटता है, तो उषा का जो जादू है वो सूर्य के उदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत काली सिल्क किसी लाल से धुली हुई लगती है, गुलाब कमल केसर सिंदूर, तो देखो बहुत काली सिल्क किस लाल से धुली हुई लगती है, तो ये केसर से, किससे? केसर से, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखेगा, नील जल में किसी की गोर झिलमिल देह जिसे हिल रही हो, यहां पर कौन सा भाव व्यक्त है, तो यहां पर जो भाव है वो है भाई दोस्तों उज्ज्वलता का। ठीक है, उज्ज्वलता का भाव है दोस्तों। और इसी प्रकार का प्रश्न ये इसको पढ़ो, देखो नील जल में किसी की गोर झिलमिल दे जिसे हिल रही हो, यहां पर कौन सा भाव है? उज्ज्वलता का भाव है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखेगा बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से किसी की जैसे धुन गई हो, मैं यहां पर कौन सा भाव है, तो यहां पर सहजता का भाव है। कौन सा भाव है? सहजता का। यहां पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसने ऑप्शन सी सी दिखाई दे रहे बार बार, बहुत काली सिल किस लाल से धुली हुई लगती है, गुलाब कमल केसर सिंदूर, तो ये केसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर केसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही, नीली पीली सफेद या लाल, तो देखो जो उषा कविता है किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है, बताओ, लाल हो जाएगा लाल। ठीक है, डी डी राइट हो जाएगा, डी 25वें का। नेक्स्ट, उषा कविता में राग से लिपा हुआ क्या बताया गया है, तो उषा कविता में राग से लिपा हुआ बताया गया है चौका, इसका बी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो 27वां, ये जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है 27वां, इसको देखिएगा आप सभी, कि उषा कविता में बहुत काली सिल की किससे घुलने की बात कही गई है, खड़िया पानी लाल केसर वर्षा, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थे कुल मिलाकर 27 से, तो आप मान लीजिएगा हमने 25 या 20 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक, इस चैप्टर के तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसका अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलो छोटा सा वीडियो था और चैप्टर वाइज दोस्तों मैं एक बार फटाफट जो है करवा देता हूँ, फिर ब्लू प्रिंट के अनुसार ही आपका जो है क्लास लेके आऊंगा। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।